बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपने किचन में आपको सिखाने जा रहे हैं डिज़र्ट। इसमें जो चीज़ चाहिए, दूध, पानी। देखिए ये 3 गिलास दूध है और 1 मग पानी है और चीनी को हमने ग्राइंड कर लिया है। 2 टेबल स्पून चीनी है, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड है, ये आपका साबुदाना है, ये है आपका 4 टेबल स्पून साबुदाना है, बादाम है और 3 अदद हमने केले लिए हैं और जेली को हमने बनाकर हमने तैयार करके रख लिया है। ये ठंडी हो गई है जेली। हमने सॉस पैन रखा है, अब इसमें हमने पानी डाल दिया है, इसके अलावा अब हम ये साबुदाना भी डाल देंगे। अब हम इसको बॉयल होने का इंतज़ार करेंगे। ये देखिए अब ये साबुदाने का कलर चेंज हो रहा है। ये देखिए ये जब सब वाइट हो जाएंगे, क्रिस्टल की तरह हो जाएंगे, फिर हम इसको इसका पानी फेंकेंगे, फिर आपको बताते हैं। ये देखिए ये देखिए अब हम इसको छान रहे हैं। ये देखिए अब इसका पानी निकाल रहे हैं। पानी निकालने के बाद हम इसको ठंडे पानी से धो देंगे, धोकर फिर आपको बताते हैं। ये देखिए छान रहे हैं हम इसको इस तरह। देखिए हमने दूध के अंदर जो 1 टीस्पून हमारा कस्टर्ड था हमने डाल दिया। अब इसके अंदर हल्का सा हम दूध का मिलाएंगे, बिल्कुल हल्का सा मिलाएंगे ताकि इसका ये पिंक हो जाए। ये देखिए ये हल्का सा पिंक हो गया। ये देखिए अब इसके अंदर हम अपनी चीनी डालेंगे, क्योंकि रूह अफ़ज़ा हमने बहुत कम डाला है, अब हम इसमें चीनी डालेंगे। चीनी को हम हल्का सा मिलाएंगे, ज़्यादा मीठा नहीं करेंगे हम। ये देखिए अब जिस चीज़ के अंदर हमें बनाना है उसके अंदर हम, ये देखिए अब हम इसमें केले डाल रहे हैं। इसमें हमने दूध के अंदर साबुदाना डाला है, साबुदाना के बाद चीनी डाली है, चीनी के बाद थोड़ा सा रूहअफ़ज़ा डाला है, रूहअफ़ज़ा के बाद हमने केला डाल दिया है, केले के बाद हम डालेंगे अपनी जेली। हम जेली डालेंगे, ये देखिए हम जेली डाल रहे हैं। ये देखिए अब हम इसमें सब जेल डाल रहे हैं, हम इसमें जेली डाल रहे हैं। अब हम दूसरे कलर की जेली भी डालेंगे इसमें। इसी तरह हम इसको ऊपर से कर देते हैं। इसमें भी हम अभी और इसमें डाल देते हैं। ये है देखिए, सारी हमें जल्दी डाल दी। और ये देखिए हम इस पर थोड़ा सा रूहअफ़ज़ा डालेंगे। ये देखिए अब इसमें हम बादाम डालेंगे। इसको फ्रिज में छिड़क करके यमी यमी करके आप लोग खाइएगा। ये देखिए हमने इसमें बादाम डाल दिए। इसके हमने दूध के अंदर
ये देखिए हमने ये डाला है, हमने दूध के अंदर ये देखिए हमने इसका जो है साबूदाना को हमने बॉईल कर लिया था, इसको इसका पानी हमने फेंक दिया और इसको धो दिया ठंडे पानी से। उसके बाद में हमने दूध के अंदर साबूदाना डाल दिए और फिर हमने केले लेके उसके अंदर कटिंग करके केले डाल दिए हैं। फिर इसके अंदर हमने चीनी डाली है, चीनी डालने के बाद हमने जेली डाली है, जेली के बाद हमने बादाम डाले हैं, बादाम के बाद हमने रूह अफ़ज़ा डाल दिया है और ये बहुत यमी और मज़े का बना हुआ है। और आप लोग इसको फ्रिज में रखिएगा ताकि ये ठंडा हो जाए, उसके बाद में आप इसको खाइए और पीए दोनों। और अब इसको आप ज़रूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए रेसिपी के साथ। अब इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।